नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, तुम देख रहे हो सिटी हलचल। तो अज पंजाब विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा नंगल आए हुए हैं, सतलुज सदन ठहरे हुए थे। साडा प्रयास है कि उन्होंने गलबात करिए, गलबात करके थोड़े रूबरू करिए, उन्होंने जो विचार है थोड़े साझे करिए। तो आओ गल कराने पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा नाल। सर, सिटी हलचल स्वागत थोड़ा। नंगल आए हो, सिटी हलचल रूबरू हो रहे हो। पहला तो यह दसो, नंगल आते थोड़ा इन्हें खूबसूरत शहर के आते कि महसूस कर रहे हो? सर शांतमय इलाका चोपड़ा जी, ये तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कृपा है भी उन्होंने चरण छोह की धरती से। मतलब मैं पहली बार नहीं, मैं तो बचपन ही आता रहा इतने, छुट्टियां कट्टन आता रहा इतने, और उदो ऐ लगता सी जिवें किसी सुपने के देश आ गए होंने, किसी स्वर्ग च आ गए होंने। सो उ यादा हूँ आके मुस्ताजिया होंगे इतने, और किन्ने शांत लोग है, अच्छे लोग है सारे इतने, माहौल किन्ना अच्छा है, तो गुरु साहब की कृपा बरस रही है इतने। सो बड़ा चंगा लग रहा है। सर चंगा लग्या, तुसी पुरानियां यादा ताजा कीतिया, लेकिन जब तुम पुराने यादा चाहते हो तो पुराना जहाँ शहर होंदा सी, बहुत फैलिया शहर सेगा, काफ़ी कर्मचारियों संख्या होंदी सी, लेकिन दिन प्रतिदिन जिते कर्मचारियों संख्या इतने घटती जाती है, BBMB समझ लो पंजाब कोटे के जोड़े कई पद सके असामियां सगिया खत्म करने जा रही है, तो सर ये बारे भी कुछ चलना पाओ। मैं यदि तुहाडी जिहड़ी गल है मुख्यमंत्री साहब तक पहुँचाऊंगा, तो फिर मैंने लगता भी मुख्यमंत्री साहब बड़े सुहिरद है, और वह भी नंगल नूं बहुत पसंद करते हैं, तो कुछ ना कुछ को सार्थक सिट्टा को कढ़णगे मुख्यमंत्री साहब। सर जिद्दां साडे विधायक है, कैबिनेट मंत्री है बैस साहब, उन्होंने प्रयास है कि इतने छोटी छोटियां इंडस्ट्रियां खोलियां जाण, क्योंकि PNFC की जगह जिहड़ी है काफ़ी खाली पई है। जी जी सर, तुसी हैडमास्टर हो विधानसभा दे। हाँ नहीं नहीं, वो कोई भी कोई उत्थे डिस्कशन करवानी क्यों, तो मैं उन्होंने अलाउ करूँगा। बैंस साहब न बड़े पढ़े लिखे मंत्री है, यंग मंत्री है, एनर्जी है, सो जो भी मेरे वालों जो कोई मतलब इस हल्के की भलाई लिए कोई मेरी इंटरवेंशन चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। सर एक विधानसभा कल की बहस की बड़ी चर्चा, लाइव तुम सब कुछ दिखाया। सर असी कभी मतलब 30 साल हो गए, मैं कभी इदा की गर्मा गर्म बहस नहीं देखी। बहसा पहला भी होंदिया सी, पहला तो ज्यादा हो जाता सी काम, पर उदो ये सी भी बुक्कड़ जी गुड़ भन लेंदे सी। सो हुण मुख्यमंत्री साहब ने आउंदिया ही असी सारिया रल के प्रपोज किया, तो उन्होंने मन्निया, तो सारी जिहड़ी कारवाई लाइव की, लोगों को पता लगता भी साढ़े नुमाइंदे उत्थे जाके की करदे आ। मतलब तुसी उत्थे ठीक है, जे कोई गल नहीं सुनी जाती तो रौला पाउणा चाहीदा, तुसीं उहदी गल रखो, उह गल रखण वास्ते जदों गल रखी जांदी है, क्योंकि किसी की परसनल गल नहीं हुंदी उत्थे, गल पंजाब दी हुंदी, पंजाब दे लोकां दी हुंदी, उह रखांगे ते उत्थे डिस्कशन होगी, कुछ ना कुछ निकलेगा। सो मैं मेरी तां कोशिश इह हुंदी है भी एक बंदा सत्ताधारी पासे बोले ते दो बंदे जिहड़ी है अपोजिशन वल्लों, क्योंकि अपोजिशन लोकां दी आवाज़ हुंदी है। सो और एक जिहड़ा कहावत भी है ना, अपोजिशन हैज़ इट्स से, ट्रेजरी हैज इट्स वे। सो मैं कोशिश करना कि उन्होंने उस तरीके ना रखा जाए। थोड़ी निरपक्षता की बड़ी चर्चा हो रही है, जिदा कल तुम साढ़े रूपनगर तो विधायक है, उन्होंने भी कहता अपनी सीट पर बैठ। देखो जी, वो कानून का मंदिर है, तो एक होंदा विधाता वो परमात्मा, ये विधायक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है साड़ी। सो सानू खुद में भी कानून तो फिर पालना करनी पवेगी ना। एक बड़ा बड़ा उपराला करता कि पंजाब विधानसभा जी जो भी कार्रवाई होनी है लाइव दर्शक देख सकते। एक सर नंगल नगर कौंसल है साढ़े, उसे पत्रकारों ने एंट्री नहीं दी। सर ये वास्ते मेरा ख्याल है मैं भी गल करूंगा, तुम भी गल करो अपने मंत्री जी, चुकते हैं हर बारी मुद्दा चुकते हैं। सर हाँ नहीं नहीं, मंत्री जी ना गल करो, तो मैं भी कहूँगा, ये तो हम जो विधानसभा जो देश की लोग सभा लाइव है, पंजाब की विधानसभा लाइव है, तो फिर शहर की कौंसल की मीटिंग भी लाइव होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ते सर एक माइनिंग का मुद्दा बड़ा छाया पाया, माइनिंग अवैध, माइनिंग अवैध, माइनिंग, हालांकि तुम 5.5 फुट दे रहे हो रेता, लेकिन फिर भी खपखाना तो बहुत पै रहा। देखो खपखाना ना तो कद खत्म होया तो ना ही होना, लेकिन वो थोड़ी सरकार की नीयत चंकी होनी चाहिए, वो चंकी है। सो जिते कि कोई इलीगैलिटी है, तुम मान योग मंत्री साहब के ध्यान से लियाओ, थोड़े हल्के ने, सो ठीक होएगा, बिल्कुल ठीक होएगा। और मैं अखीर तक गल कहनी चाहना भी जी नंगल की धरती है, ये तख्त श्री केसगढ़ साहब की धरती है, ये जिला रोपड़ पुराना होशियारपुर कह लो, इतों का मैं तो देन नहीं दे सकता जी, क्योंकि साढ़े परिवार को सारा जी कृपा
इस मिट्टी ने इतों के लोगों ने गुरु साहब ने इतों की सारी सो एक बार तुहाडे राही उन्हां सारयां दा धन्नवाद बहुत धन्नवाद सर सर एक मुद्दा पंजाब नूं छड़ के दिल्ली चल जांदे आ सिसोदिया साहब तुहाडे अंदर करते बड़ी इस ते भी चर्चा काफ़ी तिखापन हो गया केंद्र दिल्ली सरकार दे विच पंजाब सरकार मुख्यमंत्री साहब भी साढ़े काफ़ी हाइपर इस मुद्दे नूं लैके देखो बतौर स्पीकर तो मेरा कोई इस तरह की गल करना बनता नहीं है पर एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते मैं गल करना ठीक है तुसीं जिहड़ा दुनिया दे विच जिन्हें एजुकेशन नूं मुद्दा बनाया जिस शख्स ने और करके दिखाया भी जिहड़े सरकारी स्कूल आ उत्थे भी अमीरां दे बच्चे पढ़नगे नहीं पहला तो गरीबां दे बच्चे पढ़ते थे ना और वो एक जिहड़ा गरीब आदमी रिक्शा चलाउणा वह भी सोच सकता मेरा बच्चा भी जज बनू इस सोच पैदा करती मनीष सिसोदिया ने उन्हें तुसीं अंदर करता सानू अदालतां दे भरोसा न्याय मिलेगा पर जिहड़ी बीमारी सारे देश लगी हुई है ड्रग मतलब साढ़े पंजाब नूं घुण वांगू खा रही मावां मैनूं विलकदियां मिलदियां 3000 क्वांटल ड्रग फड़ी जाती है इन्हां दे अपने किसी नेड़ले बंदे दे पोर्ट तो बंदरगाह तो उत्थे की कार्रवाई तुसीं कीती भाई उत्थे तुहाडी ईडी किधर गई उत्थे तुहाडी सेबी किधर गई मतलब ये कितने ना कितने देश नाल ये देश रो है सर लगता कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण नहीं तो है ही थोड़े सामने ही राजनीति है और की है राजनीति नहीं तो देश रो है तुसी एड्डी वड्डी ड्रग फड़ी जाती तुसी गल भी नहीं करते ये तो तुहाडा धन्नवाद है जे तुसी चला दो तो नहीं तो चलाउंदा भी नहीं कोई उहनूं इस गल नूं नहीं नहीं चलाउंदा धन्नवाद सर आनंदपुर साहिब होला मोहल्ला तुसी देखिया कल एक नौजवान का कतल कर दिता गया सर इदा की जनता इतने आती की संदेश दोगे जी श्रद्धालु आते हैं कि कम से कम श्रद्धा ना आ देखो श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का एडा वड्डा संदेश है सानू प्यार शांति सहज सद्भावना तो असं गुरु की मतलब जे कि हुल्लड़बाजी करते फिर गुरु तो बेमुख होंगे नहीं होना चाहिए सानू आपदे विच गुरु साहब के हुक्म अनुसार आपदे विच सहज लैके आना चाहिए सानू शांति लैके आनी सद्भावना लैके आनी चाहिए है सो मतलब इस तरह दी घटनावां नाल ना दुख हुंदा बहुत दुख होया बहुत ज़्यादा दुख होया सो नहीं होना चाहिए कितें भी नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए नहीं होना चाहिए शांति चाहिए सही मानदे गुरु ग्रंथ साहब दी आड़ लैके अजनाले थाने च देखो ये ते बड़ी बहस चल रही है पर मैं तुहानू कहना भी आपां नूं सब नूं सब तो उपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की माण मर्यादा वो बना के रखनी चाहिए अपना भावें जो मर्जी हो जाए सर कार्रवाई होंदे है कुछ आम जिहड़े बंदे ने जो उहदे बारे जिहड़े संबंधित महकमे ही दस सकदे आ ते जे किते कोई गलत होया ते कार्रवाई तो होगी जी सर तुसीं पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष हो जिदा यूपी च एक मुद्दा आया सीगा कि जिहड़े एम एल ए साहिबान सीगे जिहड़े उहनां दे थले अधिकारी काम करदे उहनां दी जिहड़ी गलबात नहीं मनदे सी जां उहनां नज़रअंदाज करदे एक दिन वास्ते अंदर किया गया सर पंजाब विधानसभा च भी ऐसा कुछ होने वाला है देखो जी जो माणयोग विधायक ने वो कला एक विधायक नहीं हुंदा वो पौने 2 लाख लोगों का नुमाइंदा हुंदा उहदी माण मर्यादा नूं बना के रखना वो प्रोटोकॉल की पालना करना हरेक सरकारी अधिकारी का फर्ज है जे कोई भी अधिकारी कितने प्रोटोकॉल की उलंघना करेगा तो संविधान विधानसभा इंपावर करता है कि वो खिलाफ वो कार्रवाई कर सकता है जिस तरह उत्थे कैद की सज़ा दी गई है यूपी विधानसभा के और वो अपील भी कितने नहीं है ना किसी हाई कोर्ट ना किसी सुप्रीम कोर्ट के सो बिल्कुल जे कोई इस तरह का करेगा तो फिर जे नहीं ठीक आएगा तो फिर वो ऑप्शन भी वरते जाएंगे हुण वास्ते इन्ना ही मैनू ते करण चोपड़ा दी इजाजत धन्नवाद।